माह रमज़ान के शुरू होते ही पूरे मुल्क में रौनकें नज़र आने लगी हैं। रमज़ान के पहले दिन से ही यहाँ के ख़ास करके होटल जो हैं पूरी तरह से सजाए गए हैं, अलग अलग खानों के अलग अलग डिशेज़ जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। पेंडेमिक के इस दौर में भी यहाँ के होटल रमज़ान में अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के डिशेज़ वजूद में ला रहे हैं। इस सिलसिले में बेंगलुरु के HSR लेआउट में बोनम शिवम नामी एक होटल में अरेबियन डिशेस का एक अंबार लगा हुआ है। इसकी ख़ास बात यह है कि लिबनान और अरेबियन के कई ऐसे डिशेस यहाँ पे दस्तियाब हैं जिसे पूरे बेंगलुरु में कहीं भी ढूंढना मुश्किल है। बोनम शिवम होटल के मालिक मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बताएं, सबसे पहले तो आपका सलाम टीवी में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह के खाने आपके यहाँ दस्तयाब? बोनम शिवम का मतलब है बेसिकली अच्छा खाना, विच मीन्स गुड फूड। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट रखें कि लोगों को घर से बाहर भी घर के जैसा खाना मिले और अच्छा और हेल्दी खाना मिले, जहाँ उनको परेशान ना होना पड़े और सोचना ना पड़े कि बाहर जाकर कि ऑयली ऐसा फूड ना मिले। तो हम लोग बारबेक्यू पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे ताकि हेल्दी भी रहे और सब साथ मिल के बैठ के खाएँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि घर के बाहर निकले तो खाना ऑर्डर करना, वेट करना, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं। तो रमज़ान की शुरू होती है, आपके यहाँ भी जो आपका मेनू है वो बदल चुका है? मेनू इफ्तार का बदला है, बाकी का जो डाइन इन मेनू है वो सेम है। इफ्तार के लिए हम लोग टेबल सेट करेंगे, जैसे घर में बैठ के सब मिलके एक साथ खा रहे हैं तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं। और घर में जो पकाने के लिए टाइम वेस्ट होता है और इबादत के लिए टाइम कम हो जाता है, अगर बाहर आप किसी को दावत देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आके दावत वही चीज़ दे सकते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके यहाँ दस्तरखान में क्या सजा हुआ है, क्या ऐसे डिशेज़ हैं जिसे हम आम तौर पर होटलों में नहीं खा सकते हैं? ये जो हमारे घर में जैसे बनती है आश, जैसे बनते हैं या गंजी बोलते हैं, सेम वही है। एंड फिर अलग अलग वैरायटी के कबाब हैं, शरबत है एंड फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट प्लेटर है। तो घर से बाहर भी आपको वही मज़ा मिलेगा, वही खाने को मिलेगा जो आप खुद बना के खाना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे क्या खास है? खास ये आश है हमारा, जो बाहर कहीं रेस्टोरेंट्स में आपको कहीं भी नहीं मिल रहा। तो हम ये घर का मज़ा देने के लिए हम यहाँ से आश से शुरू कर रहे हैं। और शीख कबाब है और ये तवा फ्राई मटन है एंड ये कलमी कबाब है और ये शीश तवुक जो लेबनीज डिश है और ये चिकन फिलेज है। तो इसमें अरेबियन फूड जो जिसे ख़ास करके आपके होटल में जो मशहूर है वो क्या चीज़? ये है शीश कबाब हमारे और शीश तवुक है, फिलेज हैं, समोसे हमने रमज़ान के लिए स्पेशल बनाए हैं मगर अरेबिक स्टाइल में है। तो मगर लुक उसको वही दिया है जो इंडियन लुक, हाँ, पर फिलिंग उसकी टोटली अरेबिक है। एंड देन हुमूस है, पीटा ब्रेड है एंड ये अरेबिक सालसा है। तो ये सारे चीज़ें जो है ख़ास करके आप रमज़ान के लिए डिज़ाइन? हाँ, रमज़ान के लिए स्पेशल मेन्यू तैयार कर रहे हैं लोगों के लिए। अगर आपके यहाँ आना चाहें लोग तो ख़ास करके रमज़ान में क्या कॉन्सेप्ट आपने शुरू किया? रमज़ान में इफ्तार टेबल, जिसमें आपको इफ्तार और डिनर दोनों एक साथ मिल जाएगा, तो आपका समय भी बच जाएगा, वक्त बच जाएगा, तो एक साथ आप पूरा मिल जाएगा, तो आपको सेपरेट ऑर्डर करने की ज़रूरत। जो लोग मेडिटेरियन फूड खाना चाहते हैं जैसे, हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जो भी, अगर ये पूरा मेडिटेरेनियन ही है, फ्लेवर्स पूरे मेडिटेरेनियन हैं, तो कबाब्स और सारा मेडिटेरेनियन है, सिर्फ आज जो है हम लोग इंडियन फ्लेवर का दे रहे हैं। देखिए, रमज़ान की शुरू होते ही इस तरह से बड़े बड़े होटलों में भी इफ्तार के लिए ख़ास सहूलियात, ख़ास करके डिशेस बनाए गए हैं। इसमें ख़ास करके टारगेट होता है अरेबियन फूड को, वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसमें ख़ास करके सेहत के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये बारबेक्यू का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऐसे होटलों में, तो ऐसे खानों में, इसी वजह से जो है ज़्यादा लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में इस तरह के जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है खाने का, ये पैंडेमिक जैसे दौर में काफ़ी अहमियत रखते हैं। हालांकि अभी भी जो है कोरोना का एक डर सता रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं वो पूरे एहतियात के साथ, यहाँ से जैसे अंदर आएंगे आप पूरा सैनिटाइज कर किया जाएगा, हर तरह की जो सहूलियात है, जो गाइडलाइन है, उसको मेंटेन करते हुए जो है ये दस्तरखान इन्होंने सजाया है और ख़ास करके इफ्तार के लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है।
कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।